आप कठोर कठोर व्यवस्था लीजिए, हम लोग आप लोग का साथ है, हम लोग निंदा करते हैं, इस्लाम में कोई जगह में आतंकवादी मारपीट काटा काटी कुछ नहीं है। हम लोग जो नदी शहीद नदीप सिंह के जन आए हैं, हम हिंदू हैं, मुस्लिम ईसाई हैं, हम लोग खाना पीना भी हम लोग वैसा करके चल रहे हैं, एक साथ खा रहे हैं, एक लग बैठ रहे हैं, धनी गरीब कुछ नहीं। मस्जिद में जैसे हम लोग नमाज पढ़ते हैं, वहाँ यहाँ भी हम लोग ऐसा है, जैसा आज चादर चढ़ाया है, आराम से जो गवर्नमेंट का तरफ से जो पुलिस लोग एवं आपका जो मीडिया लोग हैं, जैसा करके हम लोग सहयोगिता करके हम लोग का अंदर डाला है, हम लोग चादर चढ़ा के हम लोग आराम से यहाँ आके अभी दुआ करके हम लोग दोनों मुल्क के लिए दुआ करके जा रहे हैं। आप लोग को सब लोग को धन्यवाद, मीडिया को भी धन्यवाद, सबका धन्यवाद, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जो वीजा को लेकर झूठी अफवाह फैला रहा है, वीजा लेने में कोई दिक्कतें नहीं आई, और कश्मीर में जो हो रहा है वो इस्लाम हिंसा, इस्लाम में हिंसा का कोई स्थान नहीं है, वो रिफ्यूज हो रहा है। हम जब हिंदुस्तान पहुंचे हैं, हम लोग बांग्लादेश में जो लोग वीजा के लिए अप्लाई किया है, एक दो दिन में हम लोग को वीजा मिल जा रहे थे, सब लोग को हम लोग को वीजा मिल गया जितने अप्लाई किया है। मैं यहाँ पहुँचने के बाद यहाँ फैलाया है कि इंडिया गवर्नमेंट में बांग्लादेश का वीजा कैंसिल किया, पाकिस्तान का कैंसिल किया। मैंने पूछे हैं कि किस लिए, बोला नहीं वो जो कश्मीर में जो गड़बड़ जो हो रही है, जो आतंकवादी हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है, उसके लिए वीजा कैंसिल किया। मैंने बांग्लादेश में फ़ोन किया, फ़ोन करने के बाद कोई वीजा कैंसिल नहीं हुआ। जितना में आदमी यहाँ आए हैं सब आराम से सोई सलामत से यहाँ सब लोग पहुँच गया है, तो ये फैला रहा था जो वीज़ा कैंसिल किया बांग्लादेश, बांग्लादेश में ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन ये सुना है हम लोग पाकिस्तान में 400 वीज़ा कैंसिल किया है, कितना पाकिस्तान गाड़ी नहीं दे रहा, तो इसके